आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद हिंदुस्तान लाइव। बड़ी खबर आ रही है श्योपुर जिले से, जहां वीरपुर पुलिस का दो पुरुष व एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का भयावह रूप देखने को मिला है। श्योपुर जिले के वीरपुर पुलिस कर्मियों की दबंग इस कदर हावी है कि पुलिस कर्मियों ने विजयपाल राठौर, चाचा द्वारका राठौर निवासी वीरपुर पांचों कॉलोनी एवं इनकी रिश्तेदार बुजुर्ग महिला की रात्रि में जमकर बेल्ट एवं लाठियों से पुलिस कर्मियों द्वारा शराब के नशे में मारपीट की गई, जिससे इन तीनों को गंभीर चोटें आई हैं तथा तीनों ने श्योपुर पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट से और पुलिस अधीक्षक से इन पुलिसकर्मियों की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर श्योपुर से पूरी खबर। वीरपुर पुलिसकर्मियों की दबंगई से परेशान पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दोषी पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई की मांग। श्योपुर जिले के वीरपुर तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस कर्मियों की मारपीट से पीड़ितों ने श्योपुर पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट और पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय से शिकायत करते हुए कहा कि वीरपुर पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए उठाकर विजयपाल राठौर और उनके चाचा द्वारका राठौर को शाम के समय वीरपुर पुलिस जंगल में लेकर गई, जहां पूछताछ के बहाने कपड़े उतारकर दोनों की बेल्ट और डंडों से बेरहमी से मारपीट की और दोनों को गंभीर चोटें आई। बताया कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे, इनसे उन पुलिसकर्मियों का मन नहीं भरा तो उनके रिश्तेदार बुजुर्ग महिला को भी श्यामपुर थाने में बुलाकर बेल्ट से मारपीट की गई और रात 2 बजे जब उनका शराब का नशा ठंडा पड़ा तो धमकी देकर कहा, अगर तुमने कहीं भी शिकायत की तो आप हमसे बच नहीं पाओगे, हम आपको किसी झूठे केस में फंसा देंगे, और उसके बाद उनको छोड़ दिया। पीड़ितों ने आज श्योपुर पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत पत्र देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया और तीनों पीड़ितों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अधीक्षक महोदय दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। मामला वीरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देवीपुरा गांव निवासी व्यक्ति ने वीरपुर थाना प्रभारी APS जादोन, ASI सुरेंद्र धाकड़ सहित 4 से 5 पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से पीटे जाने के आरोप लगाए। इस मामले को BJP जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट के हस्तक्षेप के बाद SP संपत उपाध्याय ने वीरपुर थाने में पदस्थ ASI सुरेश ठाकर को तत्काल लाइन अटैच कर दिया और घायल फरियादियों का मेडिकल कराकर मामले की जांच ASP प्रेमलाल कुरवे को सौंप दी। आपको बता दें, 4 से 5 महीने पहले महिला ने आग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले के संदेह में पुलिस ने द्वारिका और विजय को पूछताछ के बहाने जंगल में ले जाकर बेरहमी से जमकर पीटा, उसके बाद रघुनाथपुर थाना ले जाकर बंद कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद हेमराज और उसकी पत्नी छुड़ाने आए तो उन्हें भी पुलिस के द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद महिला सहित 2 लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी हेमराज पुलिस की कस्टडी में है। फरियादियों ने बताया कि जिस महिला ने आग लगाई थी उससे हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा बेवजह हमें परेशान किया जा रहा है और पैसों की मांग की जा रही है। हमारे द्वारा पैसे नहीं दिए जाने के बाद देर रात हमें पूछताछ के बहाने कूनों के जंगल ले जाकर पुलिसकर्मियों ने शराब पीकर जमकर पीटा। वहीं जिलाध्यक्ष सुरेश जाट का कहना है, वीरपुर के कुछ लोग मेरे पास आए थे और उनकी पुलिस के द्वारा बेवजह मारपीट की गई थी। इस मामले पर मैंने पुलिस अधीक्षक जी से चर्चा की, उन्होंने तत्काल एक ASI को लाइन अटैच कर दिया और मामले को विवेचना में ले लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय से बात करने की कोशिश की तो आउट ऑफ स्टेशन होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। विजयपाल राठौर है। वीरपुर पुलिस ने मुझको अपनी चाय की ठेली से जबरदस्ती उठाकर 2-5 मिनट पूछताछ के लिए बुलाकर खून साइपन पे आकर जबरदस्त मेरे कपड़े उतारकर सुरेश धाकड़ ने लिटाकर जमीन में जबरदस्त मारपीट की है। मेरे शरीर पर काफ़ी चोट के निशान हैं। पूछताछ के नाम पर हमसे पैसे पूछे जा रहे हैं, बार बार हमको पैसे के लिए बोलते हैं, हमको पैसे दो नहीं धन्यता आपको, अन्यथा आपको झूठा केस लगाकर जेल में डाल देंगे। मेरा नाम द्वारका प्रसाद राठौर है। मुझको वीरपुर थाने से छोटे दरोगा बड़े दरोगा ने हनुमान जी से पकड़ के और जबरदस्ती गाड़ी में डाल करके और चम्मन नदी के बहन में ले जा करके और बुरी तरीके से मेरे पीटा गया। 10,000 रुपये सुरेश धाकड़ ASI ने मेरे छुड़ा लिए, कर नंगा करके बेहद तरीके से 1.5 घंटे से ज़्यादा पिटाई करी है मेरी बुरी तरीके से। मेरा शरीर पूरा बिल्कुल छीन कर थाने में प्लस ने डंडे की मारियों और थाने बुला के मैंने कहीं मेरे मुँह पानी दे दो कहीं मूत पी ले लो कहीं फिर बैंटन से डंडों से मारी। आदमी पुलिस वालों ने मारे या औरत पुलिस? हाँ, पुलिस मारी ने। आदमी थे? लिया, इस बारे में क्या कहेंगे?
एक आवेदन दिया जिसमें पुलिस के द्वारा मारपीट करना बताया। इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर लिया, उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनके आवेदन की जांच होगी और जांच पर से जो भी सिद्ध होगा वो कार्रवाई हो जाएगी।